लिए सीधा अब आपको सुनवाते हैं प्रियंका गांधी क्या कुछ कह रही हैं। आज नामांकन भरा जा रहा है राहुल गांधी की ओर से रायबरेली में, और आपसे ये उम्मीद रखती हूँ, मैं आपसे ये उम्मीद रखती हूँ कि आप भी हमारे साथ कंधे से कंधा लगाकर इस चुनाव को लड़वाएंगे और किशोरी जी को जिताएंगे। हम अमेठी में एक बार फिर सच्चाई की राजनीति और सेवा की राजनीति वापस लाना चाहते हैं। मैं आज तीन तारीख है, 6 तारीख को मैं वापस रायबरेली आऊंगी, 6 तारीख को मैं वापस रायबरेली आऊंगी और तब से चुनाव के अंत तक आपके साथ और राहुल जी के लिए ये चुनाव लड़ेंगे। ये लोग चुनाव को धन बल पे लड़ते हैं, हम जनता के बल पर लड़ेंगे। हम ये चुनाव आपके लिए लड़ेंगे ताकि आपका विकास हो, ताकि आप आगे भुगी जी कैसे बहुत इतने पहचान कैसे हो भैया, बहुत अच्छे पहचाने हुए चेहरे, पुराने चेहरे भी हैं, नए भी हैं, नवयुवक भी हैं, बहुत कैसे हो, सही ठीक है। तो अब ये मौका आ गया है कि हम सब इस पूरे देश में एक संदेश दें कि हम सेवा की राजनीति वापस चाहते हैं, हम एक ऐसी राजनीति वापस यहाँ से शुरू करेंगे जो सच्चाई की हो, जो आपके लिए हो, जो आपको आगे बढ़ाए। ये आपका चुनाव है, आप लड़ेंगे, आप जिताएंगे। जय हिंद। तो थोड़ी ही देर में राहुल गांधी नामांकन भरेंगे रायबरेली से। प्रियंका गांधी को अभी आप लाइव सुन रहे थे। प्रियंका गांधी ने यह साफ कर दिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी, लेकिन चुनाव प्रचार की कमान उन्होंने संभाली हुई है और चुनाव प्रचार पर जोर देंगी, ये बात प्रियंका गांधी कह चुकी हैं। अभी भी आपने उनका संबोधन भी सुना। तो आज तमाम बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के मौजूद हैं रायबरेली में और राहुल गांधी चूंकि नामांकन भर रहे हैं तो पूरे शक्ति प्रदर्शन के साथ यहां पर नामांकन भरा जाएगा। 12:15 का वक्त है नामांकन भरने का और थोड़ी ही देर में राहुल गांधी नामांकन भरेंगे। सोनिया गांधी जिन्होंने पिछली बार 2019 में लोकसभा चुनाव रायबरेली से लड़ा था, उनकी विरासत संभालते हुए राहुल गांधी इस बार नजर आएंगे और काफी टफ फाइट, काफी कड़ी टक्कर इस बार रायबरेली सीट पर दिखाई देने वाली है। बेहद दिलचस्प हो गई है रायबरेली की जंग। अमेठी छोड़कर अब रायबरेली पहुंच गए हैं राहुल गांधी, जहां से चुनावी मैदान में उतर गए हैं और आज नामांकन उनकी तरफ से भरा जाएगा। थोड़ी ही देर में नामांकन भरेंगे राहुल गांधी। तो देख सकते हैं आप लगातार तस्वीरें भी न्यूज 18 आपको दिखा रहा है, हलचल लगातार बढ़ी हुई है और न्यूज 18 की खबर पर मुहर भी लगी है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी और अमेठी से नया कैंडिडेट कोई अनाउंस किया जाएगा और ऐसा ही हुआ। केएल शर्मा को अमेठी से कांग्रेस पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। तो राहुल गांधी के सामने होंगे दिनेश प्रताप सिंह, बीजेपी के कैंडिडेट। अमित शाह ने राहुल और प्रियंका के यूपी में चुनाव लड़ने को लेकर भी निशाना साधा और कहा कि राहुल और प्रियंका अपनी पुश्तैनी सीट पर भी चुनाव लड़ने का आत्मविश्वास खो चुके हैं और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से कंफ्यूज नजर आ रही है। प्रियंका गांधी जी का कभी हाँ कभी ना, कभी लड़ रहे हैं कभी नहीं लड़ रहे हैं, अभी कुछ सुनने में आ रहा है कि शायद अब नहीं लड़ रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए ये लोग आत्मविश्वास गवा बैठे हैं, अपनी पुश्तैनी सीट से भी लड़ने का आत्मविश्वास नहीं है। अगर नहीं लड़ना था तो इतने समय तक सीट क्यों पेंडिंग रखी, किसी कार्यकर्ता को दे देते तो कम से कम वो जनसंपर्क तो कर सकता था। ये कंफ्यूजन जो है कहीं न कहीं लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस को दिखाता है। न्यूज 18 की खबर पर फिर लगी मुहर।
एक बड़ी खबर आ रही है, राहुल रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे, सूत्रों के हवाले से खबर। अमेठी से केएल शर्मा चुनाव लड़ेंगे। न्यूज 18 ने पहले ही बताया था रायबरेली से लड़ेंगे राहुल गांधी। सूत्रों का संकेत है कि राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ सकते हैं, जबकि प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की संभावना अभी भी कम है। न्यूज 18 ने पहले ही बता दिया था प्रियंका नहीं लड़ेंगी चुनाव। 5 दशक का सियासी जो रिश्ता है रायबरेली अमेठी से गांधी परिवार का रहा है, ऐसे में उन्होंने राहुल गांधी से एक बार पुनर्विचार करने की इस पर बात कही थी और ये भी कहा था कि जिस तरीके से वो स्वयं अब उत्तर प्रदेश से नहीं है, अमेठी रायबरेली से राज्यसभा चली गई है, प्रियंका लड़ेगी नहीं, ऐसे में राहुल का चुनाव लड़ना जरूरी है। न्यूज 18 ने पहले ही बताया था अमेठी से होगा दूसरा प्रत्याशी। अमेठी से केएल शर्मा चुनाव लड़ेंगे। चुनाव पर सबसे सटीक खबर, सच की मुहर।